हेलो जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं हूं आफताब और आज हम लोग सीखेंगे सॉफ्ट पेस्टल से ड्राइंग बनाना। ओके, कुछ लोग मैसेज भी कर रहे थे कि सर सॉफ्ट पेस्टल के ऊपर ट्यूटोरियल बनाइए, सॉफ्ट पेस्टल को कैसे यूज किया जाता है, कैसे ब्लेंड वगैरह किया जाता है। तो इसलिए फाइनली आज मैं सॉफ्ट पेस्टल से कुछ बना के दिखाऊंगा आपको और इसके बारे डिटेल बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। अगर आपको इसको यूज करने का तरीका पता है ना, तो बहुत ही नेचुरल और बहुत ही सुंदर ड्राइंग बना सकते हैं। बस आपको उसका ब्लेंडिंग का तरीका आना चाहिए और उसको कैसे, कौन सा कलर कब अप्लाई करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है कार्ट्रिज पेपर जहाँ पर मैं बनाऊँगा, और यह है सॉफ्ट पेस्टल जो कैमल का है, 20 शेड्स वाला है। आप चाहें तो ज़्यादा शेड्स वाला भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। ओके, इससे बना के दिखाता हूँ। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेकिन अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप मेरे साथ बड़े आराम से ड्राइंग सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा जो भी वीडियो होता है वो रियल टाइम होता है, कोई भी स्पीड फॉरवर्ड किया हुआ नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पेपर लगाता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने पेपर लगा दिया है और इस पेपर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, आपको चाहिए होगा एक ब्लेड और कलर। इसको ब्लेंड करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए ना, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि सीधे डायरेक्टली ऐसे अप्लाई करते हैं। तो ये क्या होगा ना, ये आपका कलर भी ज़्यादा इसमें अब रगड़ दोगे, इसको कलर भी ज़्यादा ख़त्म होगा और ये बहुत स्मूथ नहीं हो पाएगा। आप इसको कितनों मर्ज कर लो, आप जैसे देख सकते हो यहाँ पेपर में टेक्सचर आ रहा है, दिख रहा है, वो अच्छे से भर नहीं पा रहा है कलर। तो आप जब इसको अप्लाई करते हैं ना, तो पेपर अच्छे से कवर हो जाना चाहिए, भरना चाहिए उसमें कलर। तो कभी भी वाइट पेपर में आप इसको ऐसे यूज ना करें, ऐसे अप्लाई ना करें। आप ऐसे चाहो कितना भी रगड़ दो, रगड़ के कलर ख़त्म भी कर दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, टेक्सचर इसमें आएगा ही आएगा। ओके, तो इसको कलर को अप्लाई करने का जो तरीका है ना, आपको कोई ब्लेड लेना है इस तरह का, इस तरह का ब्लेड लो या कोई सा भी नॉर्मल ब्लेड लो, और इस कलर को पकड़ के आप जिस चीज़ को बनाए हो ड्राइंग, चाहे वो लैंडस्केप बनाए हो, फ्लावर बनाए हो या स्टिल लाइफ बनाए हो, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वहाँ पर आपको यूं करना है। ओके, और फिर आप इसको बड़े प्यार से मर्ज कर सकते हैं। आप चाहे तो टिश्यू पेपर से कर सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखो आप और यहाँ पर देखो, ये आपको अच्छे से भरते हुए दिख रहा है, और ये जब तक यहाँ पर अच्छे से कवर नहीं कर लेता है, आपको थोड़ा सा मर्ज करते रहना है, चाहे आप जिस मटेरियल से भी कर रहे हैं। अगर अभी भी लगता है आपको कि कम है, तो आपको दोबारा फिर से कलर लेना है इस तरह। पेपर बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए आपका, सरफेस एकदम अच्छे से कवर होना चाहिए, तब आपका ड्राइंग ठीक बनेगा। ओके, अब जैसे यहाँ पर मैं रेड कलर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कलर भी डिफरेंट लेके, ताकि आपको ये डाउट ना हो कि ग्रीन कलर अच्छा होगा, शायद इसलिए भी हो गया। बहुत लोग ये सोचते हैं कि आप अलग कलर से क्यों नहीं ट्राई किए, मैसेज भी करते हैं लोग। तो कोई भी कलर को अगर आप इस तरह से ब्लेड से उसका कलर निकाल के आप मर्ज करते हो, बहुत ही स्मूथ मर्ज होगा और बहुत नेचुरल लगेगा। तो इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ, एक कंप्लीट ड्राइंग बना के दिखाता हूँ और फिर उसको कलर करेंगे। तो कोई छोटा सा लेना है ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, तो मैं एक लैंडस्केप ले लेता हूँ। एक ट्री, बहुत लाइटली ड्रॉ करना है आपको, बहुत डार्क नहीं करना। यहाँ पर पीछे थोड़ा सा झाड़ वगैरह दे देते हैं हम लोग को।
से उतना ज़्यादा दिखाने कोई ज़रूरी नहीं है, बट अपना थोड़ा कॉम्पोजिशन ठीक ठाक हो जाएगा। जस्ट मैं सॉफ्ट पेस्टल को कैसे यूज करना है ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ओके, यहाँ पर मैंने एक ट्री बना दिया। अब इस ट्री को अगर हम लोग कलर करेंगे ग्रीन में, ओके, या पहले जैसे स्काई करते हैं ब्लू में, तो ब्लू करने के लिए क्या करना है आपको, पहले ये लेना है। स्काई के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है, वाइट भी लेना होता है, तो आप वाइट ले लें। जो भी कलर चाहिए होता है आप पहले ले लें, उसके बाद मर्ज करना। और इसका वाइट अगर आप लेते हो ना, कलर को बहुत सॉफ्ट कर देता है। अगर आप फिंगर से ब्लेंड कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेना, और नहीं तो अगर कलर लगा हुआ है तो ख़राब हो जाएगा आपका ड्राइंग। बहुत प्यार से ब्लेंड करना है, बिल्कुल मक्खन लगाओ। जब तक अच्छे से टेक्सचर में भर नहीं जाता है तब तक आपको मर्ज करना है, या तब तक आपको कलर देना है। आप अगर थोड़ा सा कलर दे के सोचोगे कि नहीं ये भर नहीं रहा है और आप बार बार रगड़ते रहोगे तो कोई फायदा नहीं, उसमें कलर चाहिए। जहाँ पर कलर का रिक्वायरमेंट है आपको देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वाइट और चाहिए, मैं ले लेता हूँ। पूरा मुझे दिखाना है नहीं, मुझे स्काई इसलिए बनाना है क्योंकि मेरा जो ट्री है उसको एक सपोर्ट मिले, तो दिखाना है। ब्लैंक पेपर में ट्री नहीं बना सकते। देखो लाइट कलर के ऊपर थोड़ा सा, अगर अभी जहाँ मुझे ग्रीन करना है ट्री में और वहाँ पर अगर ब्लू आ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर मुझे कहीं कहीं पे क्लाउड दिखाना है तो फिर आप ये वाला टेक्निक अपना सकते हैं। एक बार कलर आप अप्लाई कर देते हैं उस तरह से, उसके बाद अगर आप डायरेक्टली कलर से अगर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हो, लेकिन ब्लैंक पेपर है और उसमें अगर यूं करके आप चलाएंगे तो आपका ड्राइंग खराब होगा, याद रखना, रफ होगा ही वो, ठीक है। अब इस ट्री के पीछे जो झाड़ वगैरह मुझे एक फीलिंग डालना है तो उसको ले लेते हैं। कौन सा कलर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लूइश रखते हैं या शेप ग्रीन, कोई ऐसा कलर जो बिल्कुल आंखों में चुभना नहीं चाहिए। उसका काम है सिर्फ सपोर्ट करना, तो बहुत उसको दिखाना नहीं है हमको। थोड़ा सा ब्लू ले लेता हूँ, और अभी इसको करो मर्ज। फीलिंग कैसा है, थोड़ा सा डार्क टाइप का ब्लैक जैसा भी फील आ रहा है और थोड़ा सा ग्रीन जैसा भी फील आ रहा है, क्योंकि पीछे का जो झाड़ है वो हमको इतना क्लियर नहीं दिखेगा, इतना कलरफुल नहीं दिखेगा, क्योंकि मुझे उसको दिखाना ही नहीं है। अगर वो मैं बहुत क्लियर दिखा दूँ तो जो मेरा मेन फोकस है जो ट्री है कहीं ना कहीं वो मिस हो जाएगा। अब इस झाड़ के ऊपर में क्या करना है, थोड़ा थोड़ा लाइट ग्रीन चलाना है, और ये आप डायरेक्टली चला सकते हैं क्योंकि ऊपर में इसको लाइट मिल रहा होगा तो थोड़ा सा ये लाइट दिखेगा।
ओके अब पहले बनाते हैं ट्री। सबसे पहले हमको ट्री बनाने के लिए क्या करना है, डार्क कलर देना है, तो शेप ग्रीन लेते हैं। और एक तरफ लेते हैं लाइट, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट जो जिधर से भी आप लेते हैं अपना ड्राइंग में पेंटिंग में, जिधर से आप लाइट लेना चाहते हैं उधर की तरफ कोई भी लाइट कलर लगाना है। ठीक है, जैसे मुझे लाइट लेना है इधर से, तो ट्री में क्या करूँगा, इधर की तरफ मैं लाइट कलर लूँगा। और अभी इसको मैं करता हूँ ब्लेंड फिंगर से। ब्लेंड करने के लिए आप कोई भी ऐसा यूज कर सकते हैं टूल, ब्लेंडिंग स्टम्प वगैरह, टिश्यू पेपर वगैरह, ब्रश वगैरह, जो भी आपको यूज करना है, बट सॉफ्ट फेस्टल मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है फिंगर से। ओके अब इस ट्री को चाहिए डिटेल, अब आप डायरेक्टली इसे कलर के साथ बना सकते हैं। तो क्या करना है आपको, इधर आप लो डार्क, अब इम्प्रेशन दे सकते हैं आप। थोड़ा सा और डार्क चाहिए तो आपको ब्लू लेना है। इसको जिस तरह से आपने डायरेक्ट कलर के साथ डार्क किया, इसी तरह से जिधर से लाइट आ रहा है उधर डायरेक्टली आप लाइट करो, तो आपको लेना है येल्लो। छोटा छोटा इंप्रेशन बनाना है पत्तियों वाले। ओके अब इसका बनाना है आपको ट्रंक, तो पहले तो इसका जो झाड़ है ना पीछे पहले कवर कर दो, और नहीं तो यहाँ पर गैप आ जाएगा, पहले कलर कर दो। सब ब्लू भी दे सकते हो। और अब लेना है यहाँ पर ट्रंक, तो ट्रंक लेने के लिए सबसे पहले आप लेते हैं लाइट कलर, और बहुत ही पतला लेना है, और यहाँ पर भी शैडो बन रहा होगा तो यहाँ पर ले लेना है आपको डार्क ब्राउन, और एक तरफ आपको दे देना है इसका डार्क, थोड़ा ब्लैक जैसा फील आना चाहिए। ओके ट्रंक में थोड़ा सा और लाइट हम लोग देते हैं, तो कहीं पे डार्क आपको दिख रहा है, कहीं पे लाइट, जो भी ट्री जितना घना है ना उसका शैडो थोड़ा सा उसके ट्रंक में गिर रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है डार्क, ऐसे जगहों को मैंने डार्क रखा है, लेकिन बीच में लाइट मैंने दिखाया है। ओके अब यहाँ पर जो पीछे झाड़ बना है ना, यहाँ पर आपको एक लाइट कलर लेना है और बहुत ही पतला एक फीलिंग डाल देना है सब में, वो ट्री जैसा फिर फील आने लगेगा वहाँ पर, अगर आप उसको जोड़ दोगे ट्रंक के साथ। तो
और इसको भी बहुत मोटा और बहुत घना नहीं करना है। जितना मोटा करोगे वो उतना नज़दीक आएगा और फिर आपका जो मेन ट्री है ना, जिसको आप दिखाना चाहते हैं, उसको वो लोग अटैक करेगा, इसलिए इसको बहुत मोटा नहीं रखना है। ओके, यहाँ पर अब थोड़ा सा वाइट ले लेते हैं, जैसे हमको अगर क्लाउड दिखाना है थोड़ा वाइट अगर चाहिए तो इसको ले लो आप, और ये इसे मर्ज कर दिया। ओके, अब बनाते हैं नीचे। तो नीचे बनाने के लिए क्या करना है, ग्राउंड बनाने के लिए येलो लेते हैं, लाइट कलर लेते हैं, बहुत ग्रीन नहीं रखना है आपको। ओके, यहाँ लेते हैं लाइट ग्रीन। यहाँ पे दो कलर हमको मिक्स करना है, इसलिए पहले कलर लेते हैं फिर बाद में मिक्स करेंगे। और अब इसको जो लाइट है पहले उसको मर्ज करो, क्योंकि जब आप देखते हो ना खुले ग्राउंड को देखते हो तो दूर जाते हुए वो कलर जो है ग्राउंड का वो फेड लगने लगता है, थोड़ा सा लाइट कलर हो, सॉफ्ट एज बनने लगता है साइड में किनारे में, जितना दूर आप लास्ट देख पा रहे हैं। इसलिए इसको कभी भी डार्क नहीं दिखाना है इस लाइन को, या एकदम क्लीन लाइन नहीं दिखाना है। यहाँ पर मुझे और चाहिए येलो, ले लेता हूँ दोबारा। तो ऐसे डार्क डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा और डार्क चाहिए तो शेप ग्रीन ले लेते हैं। और इसको जितना ज़्यादा आप इसमें काम करोगे ये उतना बढ़ता जाएगा। दिखाना हम लोगों को ये है कि खुले ग्राउंड के साइड में किनारे में दूर में थोड़ा सा एक पेड़ है, उसके पीछे झाड़ वगैरह है और पीछे में आसमान दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ कुछ और दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, यहाँ पर कलर के साथ आप फिर बना सकते हैं, ग्रास वगैरह का फीलिंग डाल सकते हैं आप। ओके, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करते हैं। अब निकालते हैं इसका मास्किंग टेप को, और ये देखो अगर आप चारों तरफ से इस तरह से मास्किंग टेप लगा के काम करोगे ना तो एक अच्छा सुंदर सा फ्रेम बन जाएगा और बहुत क्लीन लुक देता है फिर वो। ओके, तो सॉफ्ट पेस्टल के साथ आप कुछ इस तरह से ड्राइंग बना सकते हैं। मैंने बना के भी दिखाया, इसका प्रोसेस भी दिखाया कि कैसे मर्ज करना है और कैसे अप्लाई करना है। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका सॉफ्ट पेस्टल का ड्राइंग बहुत अच्छा बनेगा, बहुत सुंदर बन सकता है। कभी भी डायरेक्टली पेपर में कलर को नहीं अप्लाई करें। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट करके फीडबैक दे देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना, तो वीडियो बनाने में फिर मज़ा आता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।